Hello everyone, this is Manoj Sawhner and you are watching my YouTube channel Pharma Analysis. Today we'll discuss immunity. It's a very important topic for RRB pharmacist. Immunity is divided into two categories. First one is innate immunity and the second one is acquired immunity. Innate immunity mein species ye jatiwansh इम्यूनिटी आती है और एक्वायर्ड की दो कैटेगरी होती है एक्टिव इम्यूनिटी और द नेक्स्ट वन इज पैसिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी हम देखेंगे. एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन, इसमें हम लोग एंटीजन गिवन होता है एक्टिव इम्यूनिटी में. और एक्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो हैव टू क्लासेस, देखते कौन कौन सी है. पहली है नेचुरल, एग्जाम्पल क्लिनिकल एंड सम क्लिनिकल सब क्लिनिकल infectious diseases. The second one is artificial active acquired immunity. So usme example honge vaccines. The second one is passive immunity, passive acquired immunity. So isme kaun se antibodies diye jaate hai, isme antibodies given. Ye bhi do category mein hoti hai, pehla natural dusra आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल. तो आर्टिफिशियल में रेडीमेड एंटीबॉडी इज गिवन, सेरा ऑल्सो गिवन, एंटीवेनम और एंटीबॉडी इज ऑल्सो गिवन. तो नेचुरल में कौन कौन सी होती है? नेचुरल में दो आती है, एक तो वर्टिकली ट्रांसमिटेड वर्टिकली नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला आता है वर्टिकली ट्रांसमिटेड थ्रू placenta IgA and the next one is by breastfeeding IgA. All secretion में IgA होता है और placenta में IgG होता है, ठीक है. तो अब immunoglobulin कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. immunoglobulin में इसकी ट्रिक है AGM दे, AGM होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग इस टाइप से. तो A for immunoglobulin, A G for G, M for M, D for D और E for E. तो IgG जो होता है IgA, immunoglobulin A, डायमेरिक होता है, सलाइवा और मिल्क में टीयर्स में प्रेजेंट होता है. इसके बाद में IgM जो immunoglobulin M होता है वो पेंटामेरिक होता है और लार्जेस्ट इन साइज. इसके बाद में IgD देख लेते हैं हम, immunoglobulin D जो कि मोनोमर होता है और IgE रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, मोनोमर होता है ये भी. उसके बाद में लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग.